सर्किट हाउस मुरादाबाद में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि भाजपा सरकार महुआ समुदाय की अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न करके महुआ समुदाय के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जबकि संविधान की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, तुरैहा, बेलदार, गौड़, खरवाए पहले से ही शामिल है, परंतु शासन आदेश एवं हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी इनकी 17 उपजातियों को एससी की सुविधा नहीं दी जा रही। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में 17 फरवरी 2014 को लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास पर घेराव और 7 जून 2015 को रेल रोको आंदोलन, गोरखपुर संत कबीर नगर रेलमार्ग, 27 मार्च 2017 को दिल्ली में संसद घेराव तथा 6 फरवरी 2018 को प्रदेश की सभी तहसीलों का घेराव किया गया। महुआ समुदाय के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 3.5 लाख से ऊपर, 20 सीटों पर 2.5 लाख से ऊपर, 15 सीटों पर 2 लाख से ऊपर, बाकी सीटों पर 1.5 लाख से अधिक वोट बैंक होने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियों का यह शिकार हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने अधिकार देने का वायदा किया लेकिन बाद में धोखा किया। रणनीति है कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार हूँ। यहाँ की एक कमेटी है और एक कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। ये अचानक यहाँ बैठक है क्योंकि यहाँ कल एक कार्यक्रम था हमारा जो है संभल में, आज अमरोहा में है, और यहाँ इन संगठनात्मक रूप से जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि 2019 में हमें अपने सिंबल से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी गठबंधन से। अभी हम लोगों ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, रोडपुर हम लोगों ने गठबंधन से परिवर्तन किया वहाँ इंजीनियर प्रवीण निषाद को। मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुसलमानों ने 100% वोट इंजीनियर प्रवीण निषाद को दिया, दलितों ने दिया, यादवों ने दिया, तो वोट का लेन देन किया, तो आप मुसलमान से दोस्ती करो ना, मुसलमान से झगड़े क्यों करते हो? भाजपा देख लो, आप मुसलमान को दुश्मन बना रहे तुम्हारा। इनकी नौकरियों पर कब्जा उन्होंने आज के दिन में, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, हमारा वोट झगुआ भर है और पौआ वाले जिता रहे हैं, इसलिए कि हमारे समाज को इन्होंने पियाऊ और बिकाऊ का लेबल लगा दिया। तो मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दलित जब तक इकट्ठा नहीं था, दूसरे दल को वोट दे रहा था कांग्रेस को, तो दल दल में था, जैसे अपने दल में दे दिया तो रुमाल में हो गया। कांसी राम की योजना मिल गई उनको, सफाई कर्मी में हो गया, आज के दिन में 23% जो नौकरी है उस पर उनका 1 लाख पूरा भर गया। जब वो दल नहीं था उनका तो 4% उनकी नौकरी में हिस्सेदारी थी, जैसे दल में आ गए अपने तो आज 23% से ऊपर हैं। तो हम अनुसूचित जात में पहले से हकदार हैं, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरूर, 7 नामों में अनुसूचित जात से हैं। हम दूसरे दल में रहने के नाते दल दल में हैं, जैसे हमारे झंडे उठेंगे अभी आरक्षण हमारा मिलेगा। हम अनुसूचित जात के हकदार हैं, हम जितने भी मछुआरे हैं, हमको 1931 से संविधान में मिला हुआ है, संविधान के 66 समूह हैं, सभी अगर मायावती सत्ता में आई तो उनको संविधान का हक मिल गया और वही अनुसूचित जात के कोटे से उनको संवैधानिक संरक्षण मिल गया। तो हम इनसे इनको जागरूक कर रहे हैं, तुम भी अपना झंडा, अपना टोपी उठाओ और एक झंडे के नीचे रहो, और जिसको लगेगा कि निषादों का, मछुआरों का हक देंगे, उसके साथ हम लोग 2019 में चुनाव लड़े। तो माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने संदेश भी दिया कि भाई हम लोग एक साथ रहे, अलग अलग रहने से कोई फायदा नहीं है। और हम जब 2017 में चुनाव लड़े थे तो हम 2014 में तो भाजपा 31% वोट पाए थे, हम 2017 में अलग लड़ गए तो भाजपा 41% पा गई, तो अगर अलग लड़ेंगे तो भाजपा मजबूत होती जाएगी। इसलिए एक समान विचारधारा के कि हमारा जो आरक्षण है सबको बराबर मिलना चाहिए और सभी लोगों का हक हिस्सा बराबर होता। हम कहते हैं कि अब पिछड़ी जातियों के नाम से हमें उधर पिछड़ी में डाल के गुमराह किया जा रहा है। पहले तुरैया का, गौड़ का, केवट का, मल्लाह का, मझवार नाम से हमको अनुसूचित जात का मिलता था, बाबा को मिलता था, दादा को मिलता था अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र, हमें ज़बरदस्ती रोक दिया गया। तो कोई आदेश भी नहीं आया केंद्र से, कल धोखेबाजी करके हमारा नाम पिछड़ी में डाल के रोक दिया गया। तो ये पिछड़ी से हम नाम हट भी गया है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। तो भाजपा में देखो, मोदी ने कहा था कि हम गंगा पुत्रों के दर्द को दूर करेंगे, बहन जी ने इनको, योगी ने कहा था कि हम सदन से सड़क तक लड़ के देंगे, लेकिन अब आज दोनों सत्ता में इनके हैं नहीं दे रहे हैं। बल्कि यही देखो, शेर सिंह राणा को जो फूलन देवी हत्यारा है, जो हमारी बहन थी, हम एक वीरांगना थी और उन्होंने सदन में गई थी, एक आवाज़ उठाई थी उन्होंने, और एक अपने अपने जो ऊपर अत्याचार का बदला ली थी, उसके हत्यारा जो शेर सिंह राणा है उसको आजीवन से कारावास है। तो आजीवन कारावास से पेरोल पर रिहा होते हैं लोग, कभी अपने शादी विवाह मन किसी के शादी विवाह कोई
विशेष परिस्थितियों में। लेकिन ये तो भाजपा आज के दिन में निषादों को चिढ़ाने के लिए फूलन देवी के हत्यारे को बाहर निकाल के जगह जगह को उनका सम्मान समारोह करा रही है, उनको राजनीतिक रूप से प्रयोग कर रही है, तो उसका विरोध हो रहा है कि ये गलत है, आप सत्ता में आओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए निषादों ने भी अब भाजपा को चिढ़ाने का काम किया। तो अभी हमारा वोट सर्वाधिक है, इनको यही पढ़ा करना कि आप बूथ लेवल पर अपना बूथ गठन करो, अपने समाज का वोट इकट्ठा करो। किसी नेता, किसी बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान के कहने पर दलित का वोट नहीं रुकता, उनका वोट इकट्ठे सीधे पार्टी में पड़ता है। यादव का वोट नहीं रुकता है, बहन जी जब उनकी सत्ता आती है तो हर जगह उनके लोग नजर आते हैं, अधिकारी कर्मचारी। जब माननीय अखिलेश जी का आती है, देखो योगी जी है तो सभी एसडीएम और डीएम और देखो हर जगह उनके लोग हैं। तो जब आप भी सत्ता में रहोगे, आप वोट इकट्ठा करोगे, तो आप भी नौकरी में जितना आपको हिस्सेदारी मिलती है वो मिलेगा। जो गठबंधन रहेगा आप किससे करना चाहेंगे? मैं तो गठबंधन आज के दिन में अभी 2018 जो चुनाव लड़ा हमने माननीय अखिलेश जी और बहन जी हैं, और अभी आरएलडी और पीस पार्टी है, हम लोग अभी मजबूती से हम गठबंधन के साथ रहेंगे और 2019-2022 भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये एक विचारधारा की है, और ये इसलिए एक विचारधारा कि मैं चाहता हूँ जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतने हिस्से मिल जाए। हमारा अगर जनगणना हो रहा तो आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, और जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको उतना हिस्सा दे दिया जाए।